अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर ड्रेस अगर आपका फिटिंग बड़ा हो जाता है तो उसको फिटिंग कैसे करते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि साइड से अगर लूज़ है तो उसको कैसे लूज़ को सही करेंगे, वो आप आज मैं बताऊंगी आपको। तो मैंने ये जो नीचे वाला ड्रेस है मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, तो जब लिया तो काफ़ी चौड़ा हो गया, तो अब मैं इसका फिटिंग करूँगी। तो फिटिंग करने के लिए मैंने इसका उसी का एक कपड़ा है तो उसके ऊपर रख करके उसका मैं फिटिंग करूँगी। तो इसका साइज़ ठीक है तो मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया है और पूरा मैंने इसके ऊपर फिटिंग कर लिया है ऊपर से। उसके बाद मैं इसके ऊपर मार्क करूँगी, तो मार्क करने के लिए जैसे एकदम से उसके ऊपर प्लेस कर दिया, उसके बाद हम यहाँ से जैसे कि जो लाइन हमको स्टिचिंग सिलना है उस लाइन से हम मार्क करेंगे। तो ये मतलब ये स्टिचिंग लाइन है, कटिंग लाइन जैसे कि बाद में। तो यहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ, तो ये सीधा नीचे तक मार्क कर लेंगे जैसा हमको फिटिंग चाहिए। तो यहाँ तक हो गया, मार्क हो गया इसका, ये साइज़ फिटिंग साइज़ है। फिर ये तो हो गया मार्किंग, और ये 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए, मतलब काटने के लिए 1 इंच कम से कम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैं यहाँ से ऐसे मार्क कर ले रही हूँ, देखिए यहाँ नीचे तक ऐसे ही मार्क हो गया। और बाँह के लिए जैसे कि मेरा शोल्डर यहाँ पर इसके हिसाब से कर रहे हैं, तो 1 इंच मतलब थोड़ा आगे बढ़ा के हम लोग करेंगे जहाँ से कटिंग करना है। और बाँह का जो चाहिए तो हम यहीं पर ऐसे कर लेंगे और यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, और ये वाला जो है उसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे जो साइज़ हमको चाहिए उस हिसाब से। जैसे बाँह काटूंगी तो बाँह के लिए जैसे कि ये तो यहाँ से कट जाएगा और फिर यहाँ से मैं ये निशान लगाऊंगी। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, तो बहुत अच्छे से यहाँ तक कटिंग हो गया है, और ये बाँह का भी मैंने काट लिया है। तो बाँह काटने के बाद यहाँ पर आपको ये ना ये इसको खोल लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अलग से सिलाई ऐसे करना है, उसके बाद फिर बाँह को जोड़ करके फिर से अलग करके फिर सिलना है। तो इतना कटिंग हो गया है, उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये साइज हो गया है, पतला हो गया जो हमको चाहिए था। अब मैं बस अब इसमें स्टिचिंग करना है, ये ऐसे स्टिचिंग करूँगी दोनों साइड से, उसके बाद ये करूँगी बाँह का स्लीव सिलूँगी। अब सिलने के बाद फिर मैं आपको इसका सिला हुआ दिखाऊँगी। मुझे जो साइज़ चाहिए था तो इसको ना शोल्डर भी कम करना था, क्योंकि ये चीज़ का बहुत लटक रहा था। अगर आपको नहीं चाहिए जैसा कि आपको आपको इतना साइज़ ठीक है तो आप नहीं काटेंगे, लेकिन मुझे काटना था तो मैं ये भी काट दूँगी। तो यहाँ से मैं कटिंग करूँगी ये वाला ऐसे लेते हुए, जो आपको कम करना है इसलिए मुझे काटना पड़ेगा। तो मैं ये काट के निकाल दूँगी, ये वाला चीज़ काट के निकाल दूँगी, उसके बाद फिर ये वाला खोल के फिर मैं इधर जोड़ूंगी। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सीधे ये चीज़ छोड़ दें, अगर ये चीज़ आपका ठीक है तो। देखिए मेरा ये कुर्ता तैयार हो गया है और बिल्कुल फिटिंग में आ गया है, जैसे चाहिए था वैसा आ गया है, बिल्कुल चौड़ा नहीं है, अब बिल्कुल शेप में आ गया है। और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सिला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।